दोस्तों, अगर आप हो एक एयरटेल के न्यू रिटेलर और आपने यहाँ पर एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन का न्यू आईडी को यहाँ पर लिया है और आप यहाँ पे चाह रहे हो अपने अंदर कोई नया एजेंट को ऐड करना, तो वो आप यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हो वो हम जानेंगे आज की छोटी सी वीडियो के अंदर। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन होना है। लॉग इन होने के बाद आपको ऊपर में थ्री लाइन के ऊपर टैप करना है। थ्री लाइन के ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई एजेंट का, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको टैप करना है माई एजेंट के ऊपर, एड एजेंट का ऑप्शन, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। इस जगह पे आपको जो नया एजेंट आप ऐड करना चाह रहे हो उसका नाम यहां पर डालना है, नीचे यहां पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, और इस जगह पे ऐड एजेंट के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप ऐड एजेंट के ऊपर टैप करोगे तो यहां पर एजेंट के नंबर पे ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, तो वो ओटीपी को आपको इस जगह पे डालना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंड ओटीपी कर सकते हो, और यहां पर ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो यहां पर मेरा ओटीपी आ चुका है, तो चलिए यहां पर मैं डाल देता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी डालोगे तो यहाँ पर जो है एजेंट ऐड हो जाएगा, न्यू एजेंट, और यहाँ पर आपको एजेंट का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके अंदर जो ऐड हुआ है वो यहाँ पर आपका लापू नंबर शो होगा, और यहाँ पर जो है एजेंट का यहाँ पर आपको मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर नया एजेंट को ऐड कर सकते हो मित्र ऐप एप्लीकेशन के अंदर।